नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेड़ को कैसे सुखाया जाए, यानी कि जो पेड़ अनुपयोगी होते हैं, हमारे काम के नहीं होते हैं, कुछ ऐसी जगह उगाते हैं जो हमारे लिए नुकसान देते हैं या हमारे कोई काम के नहीं होते हैं, या कुछ ऐसी जगह उगाते हैं जैसे हमारे खेतों की मेड़ होती है उसके बीच में उगाते हैं, जो हमारी लड़ाई का कारण बनते हैं, या मकान की दीवार या अन्य जगह उगाते हैं जो हमें नुकसान देते हैं, हमारी दीवार को मतलब नष्ट करने में, या मकान के पास जो हमें हिलते डुलते परेशान करने वाले पेड़ होते हैं उनको हम आसानी से कैसे नष्ट करें। तो किसान साथियों, मैं आज के आपके लिए तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ पेड़ सुखाने के बारे में, जिनका उपयोग करके आप आसानी से पेड़ सुखा सकते हैं। किसान साथियों, आपसे अनुरोध है कि पेड़ जो अनुपयोगी पेड़ हो उन्हीं को सुखाएं, उपयोगी वृक्षों को ना सुखाएं, क्योंकि वृक्ष ही हमारा जीवन है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हमारे जीवन भी नहीं रहेगा, हमें वृक्षों के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रदान होती है। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं आज के तीन उपयोगी पेड़ सुखाने वाले फार्मूलों के बारे में। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो किसान साथियों, चलिए बात करते हैं आज के पहले फार्मूले के बारे में। तो किसान साथियों, पहला फार्मूला जो आपको यूज करना है वो लेना है हमें यूरिया। किसान साथी, यूरिया तो सभी जानते होंगे, हमें यूरिया की मात्रा जो लेनी है 10 से 5 किलोग्राम लेनी है, ज्यादा नहीं लेना। अगर आपका वृक्ष ज्यादा विशाल है, बड़ा है, तो 10 किलो पर्याप्त रहेगी, नहीं तो छोटा वृक्ष है तो 5 किलो काफी रहेगी। तो किसान साथियों, अगर इसको यूज करने की बात कर लें, कैसे हमें अपने खेत में मतलब पेड़ पे यूज करना है, तो मैं आपके लिए बता दूं हमें पेड़ पे जो यूज करना है। किसान साथियों, जैसे हमारे ये वृक्ष है, इस वृक्ष के पास में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपके लिए, एक गड्ढा खोद लेना है। यानी कि जैसे 10 किलो यूरिया ले रहे हैं तो 10 किलो यूरिया के हिसाब से गड्ढा खोद लें, 5 किलो ले रहे हैं तो 5 किलो के हिसाब से। गड्ढा खोदने के बाद वो वहां पे देखें यहाँ पे कोई जड़ मिल जाए, जड़ नहीं मिले तो पेड़ में थोड़ा तीरा लगा लें, यानी कि थोड़ा छील लें। छीलने के बाद पास में अपनी यूरिया डाल दें, यूरिया डालने के बाद पेड़ को आसानी से दबा दें, जैसा का तैसा ही कर दें। ऐसा करने से किसान साथियों, 5 से 10 दिन में आपका वृक्ष सूखना शुरू हो जाएगा, और बड़ी जल्दी ही आपका वृक्ष सूख जाएगा। किसान साथियों, इन उपयोगों के द्वारा मैं बता दूं आपके लिए, नीम, आम, पीपल, कीकर, केल, सभी प्रकार के वृक्षों को आराम से सुखाया जा सकता है, जो भी आप वृक्षों को सुखाना चाहते हो। तो किसान साथियों, ये तो हुआ पहला उपयोग, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपयोग के बारे में, कि दूसरे उपयोग से कैसे पेड़ सुखाया जाए। तो किसान साथियों, मैं अगर दूसरे उपयोग के बारे में बात करूं तो दूसरा जो हमें लेना है वो लेना है एसिड, यानी कि जो हमारा टॉयलेट वाला एसिड होता है जिसे साफ करते हैं वो, यानी दूसरे नाम में से तेज आपके नाम से भी जानते हैं। हमें एक एसिड की एक बोतल लेना है, उसे हमें जैसे हमारा ये वृक्ष है, वृक्ष के चारों तरफ हमें उसको बड़ी अच्छी तरीके से यूज करना है, हो सके तो थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर ले उसमें, ताकि इधर उधर के लिए नहीं भागे, वो अच्छे से यूज हो जाए। तो किसान साथियों, लिक्विड हमें पेड़ के हिसाब से लेना है, ज्यादा बड़ा पेड़ है तो 2 लीटर भी ले सकते हैं, ना तो 1 लीटर पर्याप्त रहेगा छोटे वृक्ष के लिए। हमें लिक्विड का जो यूज करना है 1 से 2 बार यूज करना है, हमें 8 दिन बाद दोबारा डालना है। दोबारा डालने से ये होगा हमारे पेड़ में जो मतलब सूखने की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, और वृक्ष को आसानी से सुखा पाएगा। किसान साथियों, हमें लिक्विड की जो मात्रा लेनी है ओरिजिनल वाली लेनी है, तो हमें पर्याप्त जो टॉयलेट वाला आता है वो इतना अच्छा नहीं आता, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमारे वृक्ष को नहीं सुखा पाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ध्यान रहे हमें अच्छा वाला लिक्विड लेना है। तो किसान साथियों, ये तो हुआ दूसरा उपयोग, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपयोग के बारे में, तीसरे उपयोग का उपयोग करके कैसे हम वृक्ष को सुखा सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं बात करूं तीसरे उपयोग के बारे में, तीसरा जो उपयोग है वो लेना है हमें मिट्टी का तेल। किसान साथियों, मिट्टी का तेल आप सभी जानते होंगे, जो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, डीजल से काफी कम कॉस्टली होता है, उसका उपयोग करके भी आप वृक्ष को सुखा सकते हैं। उसका उपयोग कैसे करना है किसान साथियों, उसका उपयोग जब करना है हमें, जब हमारे पेड़ के नीचे नमी हो, जिस तरह से ये सूखा दिख रहा है इसमें काम नहीं करेगा, अगर हम इसे डालेंगे तो जमीन इसको सूख जाएगी। हमें या तो उसका गीला कर देना है, उसके नीचे गीला करने के बाद नमी हो तभी हमें उसे के लिए डालना है। अगर किसान साथियों नमी नहीं कर सकते, कुछ ऐसी जगह होती है हम नमी नहीं कर सकते, या अपवादित जगह होती है, तो हमें बारिश का इंतजार करना होगा, बारिश हो जाए तभी हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसको भी हमें, जैसे ये वृक्ष है, इसके चारों तरफ थोड़ा गड्ढा करके, थोड़ा छोटा छोटा गड्ढा करके, और इसके चारों तरफ
उसे एक से दो लीटर डाल देना है। किसान साथियों वही उपयोग रहेगा, बड़े वृक्ष के लिए ज्यादा उपयोग करना है, छोटा वृक्ष है तो कम ही उपयोग करना है। इसका भी हमें जो उपयोग करना है किसान साथियों, एक लीटर पहले उपयोग कर देना, फिर चार से पांच दिन बाद एक लीटर हमें दोबारा डाल देना है ताकि वृक्ष आसानी से अच्छे से सूख जाए। तो किसान साथियों हमने आज के आपके लिए तीन उपयोग बताए पेड़ सुखाने के बारे में। तो आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस शुरू करें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसान साथियों आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर निवेदन है, अगर आपको पेड़ सुखाना है, किसी पेड़ को सुखाना चाहते हैं तो उस पेड़ को ना सुखाएं जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हो, हमारे जीवन में हमारे लिए सहायक है। तो किसान साथी उन्हीं पेड़ों को सुखाएं जो किसान साथियों की मजबूरी हो या हमारे अपवादित हो या ऐसी जगह हो जो हमें नुकसान देने वाले, उन्हीं पेड़ों को सुखाएं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा बचाएं। तो किसान साथियों अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।